हरियाणा के रोहतक से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से शनिवार शाम को 3:30 बजे रोहतक जंक्शन के स्टेशन सुपरिटेंडेंट यशपाल मीणा के कार्यालय में साधारण डाक के जरिए 8 अक्टूबर को 10 रेलवे स्टेशन और 6 राज्यों के मंदिर में बम विस्फोट कर खून बहाने की धमकी दी गई है। इस दिन दशहरा है। पत्र में रोहतक जंक्शन, रेवाड़ी, हिसार, कुरुक्षेत्र, मुंबई सिटी, बेंगलुरु, चेन्नई, जयपुर, भोपाल, कोटा, इटारसी रेलवे स्टेशनों और राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, एमपी, यूपी व हरियाणा सहित 6 राज्यों के मंदिरों को निशाना बनाने का जिक्र किया गया है। पत्र मिलने के बाद दिल्ली मंडल और अंबाला स्थित रेलवे एसपी कार्यालय तक के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। प्रकरण उच्च अधिकारियों तक पहुंचाने के बाद जीआरपी व आरपीएफ के जवानों ने रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर चेकिंग बढ़ा दी है। मामले में रेलवे एसपी धीरज सेतिया ने बताया कि आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की ओर से 11 रेलवे स्टेशनों और 6 राज्यों के मंदिरों में बम विस्फोट करने का धमकी भरा पत्र रोहतक स्टेशन के सुपरिटेंडेंट को मिला है। पत्र को गंभीरता से लेकर जांच शुरू कर दी गई है। वहीं स्टेशनों पर सुरक्षा बढ़ा करने का आदेश भी दे दिया गया है। पत्र में यह लिखा है कि रेलवे स्टेशन के सुपरिटेंडेंट यशपाल मीणा को मिले पत्र को मसूद अहमद के नाम के शख्स ने लिखा है। इसमें उसने खुद को जैश एक मोहम्मद के जम्मू कश्मीर का एरिया कमांडर बताया है। पत्र में लिखा है कि हम अपने जहौदियों की मौत का बदला जरूर लेंगे। इस बार हम भारत सरकार को उड़ा देंगे। 8 अक्टूबर को रेवाड़ी, रोहतक, हिसार, कुरुक्षेत्र, बॉम्बे सिटी, चेन्नई, बेंगलुरु, भोपाल, जयपुर, कोटा, इटारसी रेलवे स्टेशन आदि राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा सहित हिंदुस्तान के प्रदेशों में रेलवे स्टेशनों व मंदिरों को बम से उड़ा देंगे। हम जो हादी हजारों की संख्या में हिंदुस्तान को तबाह कर देंगे। चारों ओर खून ही खून नजर आएगा। खुदा हाफिज। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।